हो गया आप ऑर्डर ले लो। आपका हो गया ना भाई? आज मीडिया भी केक खाएंगे। नहीं हम लोग रोज खाते हैं। यस यार बर्थडे बर्थडे मना रहे। चलिए सर चेक करो हैप्पी बर्थडे। क्या तो है? One, two, three, ready? Yeah, yeah, yeah. Happy birthday to you. Madam, please. Oh, other bhai, camera to niche karo. यहाँ का हर एक खाएगा दो दो केक। तालियां अनेक। थैंक यू। हाँ 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 फोटो फोटो राजपूत मैडम आइए हाथ लगा लो ना। यस चलिए क्या कर रहा किसे? अरे रुजा भाई को मैं तकरीबन 4 साल 4 या 5 साल उससे ज़्यादा हो और जिस प्रकार के इंसान हैं आई थिंक ये सबको पता हो गया होगा तो क्योंकि सब जो हमारे गेस्ट आए हैं आज इन्हीं की वजह से आए हैं। जो गुडविल है एक जैसे सुनील भाई कह रहे थे क्लीन इंसान है बहुत ही प्योर इंसान है और आज की डेट में ऐसे इंसान से मुलाकात करना मिलना बहुत कम होता है एंड ऐसे रिलेशन बनाए रखने में मैं बिलीव करता हूँ इसलिए मैं घर पर आ जाया हूँ। बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस खोल रहे हैं जिस जैसे कि उन्होंने कहा कि क्लीन कॉन्टेंट करना चाहते हैं जैसे क्लीन इंसान ये है क्लीन कॉन्टेंट करेंगे तो आई लाइक टू विश हिम ऑल द बेस्ट शुभकामनाएं देंगे आप सबके साथ जैसे मैं भी कह रहा था कि क्लीन कंटेंट की बहुत कमी है और ज़रूरत है अगर ऐसा कुछ इनके पास हो जो मेरे पास लाते हैं तो डेफिनेटली मैं इनके साथ काम करूँगा एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मेरा हमेशा अच्छा रिलेशन रहा है मीडिया के साथ। मैं थोड़ा सा मीडिया शाय हूँ इतना मैं पी आर वगैरह में बिलीव नहीं करता इसलिए लोग सोचते हैं कि मैं गायब हो जाता हूँ लेकिन मैं हमेशा से काम करते आ रहा हूँ। मेरा कोई पी आर एजेंट कभी रहा नहीं कि आगे जाके भी मेरा कोई प्यार होगा लेकिन आप लोगों ने हमेशा मुझे प्यार दिया है। स्टार्टिंग में काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी मेरी लेकिन आई थिंक दैट्स 15-20 साल पहले की बात है बट तब भी मेरे मुझे सपोर्ट मिला था आप लोगों से तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू ऑल एंड बस आप लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है टू शोकेस द राइट थिंग। आई थिंक अगर आप लोग इस पावर का सही इस्तेमाल करें तो खेलने का कंट्री को प्रेस होगा। देखिए मैंने छोटी सी शुरुआत की है हम लोगों ने तीनों ने मिलके हमने साहिल ने संदीप ने और आप सब लोगों ने अपना टाइम दिया है ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इनको लगा कि हाँ वाकई में मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। काफ़ी पुराने रिलेशन है जब मैं मुंबई आया था पहली बार तब अस्मित जी से मिला कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये एक स्टार है हमेशा भाई की तरफ याद किया
उसमें जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी ने बिल्कुल रिलेशन भाई का रखा है। तो प्रोडक्शन आपको लॉन्च करते हैं, ये काफ़ी लंबा सा सफर रहा होगा आपके दिमाग में, ये चीज़ काफ़ी समय से उठे, क्या चुनौतियाँ हुई, किस तरह से देखते हैं आगे, विजन क्या है आपके प्रोडक्शन को लेकर, और जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसके लिए कुछ डिस्कस कीजिए, किस तरह के प्रोजेक्ट्स होगा या जो भी कर चुके हैं आप पास्ट में उसके बारे में बताइए। लेकिन आज की डेट में डिजिटल वर्ल्ड बहुत आगे चला है और आने वाला भी टाइम सिर्फ और सिर्फ डिजिटल का है, लेकिन डिजिटल पे दिया क्या जा रहा है, समाज में इसका क्या संदेश है। बहुत सारी चीज़ें पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है कि गंदगी पहले नहीं थी, पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। तो हमारी कोशिश ये होगी हम उस लीक से थोड़ा सा हटके चलें, हम कुछ ऐसी चीज़ें बना करके दें जिससे लोग, एक बाप अपने बेटे को कहे कि उसको ज़रूर देखना, या बेटा अपनी बहन से कहे, सॉरी, या बेटा अपने माँ से कहे, भाई अपनी बहन से कहे, एक ऐसा प्रोडक्ट हम बना करके देना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो मतलब क्या क्लीन एंड नीट की बात कर रहे हैं या क्या, किस तरह का प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि कैसा आपका थीम क्या होना चाहिए बेसिकली जो आप पेश करेंगे दर्शकों को? देखिए हमारी जो भी थीम होगी वो सिर्फ और समाज के लिए संदेश होगी, वो किसी भी टॉपिक पर हो सकती है। सर आपका इंट्रोडक्शन चाहूँगा और अमीर भाई के बारे में और अस्किन से क्या कहना चाहेंगे आप? सर आप जी, हाँ सर प्लीज़ कैमरा। आज मेरी फर्स्ट टाइम पहली मीट आपके साथ, पहले तो सबको नमस्कार मेरी तरफ से, और मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा। वैसे तो मैं जानता हूँ कि मैं जब मुंबई में आया था तो वीर भाई मेरे पहले दोस्त थे, तो हम दो साल से साथ में, तो जो भी है बस चल रहा कर रहे हैं, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। जैसे कि हम भी साथ में साहिल और मैं और हमारी अभी भाई से दोस्ती आती है, और हम बहुत समय से सोच रहे थे कि कुछ नया करें, कुछ चालू करें, ऐसा जो कुछ मैसेज रहे या ऐसा कुछ, तो वो सोच से हम आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे हमारी लाइनें बनी और हमने इस चीज़ पे काम किया माधव मूवीज पर, और माधव मूवीज प्रोडक्शन चालू की और इंशाल्लाह चाहते हैं कि सब आगे अच्छा चले। इसमें सर ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कंट्रोवर्सी की बात की, आपने आपने भी अच्छी फिल्में भी की हैं 16-17 साल जो भी आपका कैरियर रहा है ना, लेकिन एक न्यूज़ पब्लिकेशन ने ये भी पब्लिश किया है कि आप फेमस हैं कंट्रोवर्सी की वजह से ज़्यादा, दूसरे फिल्म की अगर बात करें तो आप कितना मानते हैं इस चीज़ को, आपका जो फेम फैक्टर है इतने सालों में? सर वो आप बताइए, आप कोई इंसान सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सी से अपना करियर 16-17 साल का ऐसा का मोर देन 19 ईयर बिग बॉस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आखिरी पड़ाव पर है बिग बॉस, एक हफ्ता बचा है, आप देखते हैं कौन जीतेगा आपकी नज़र में, क्या एंट्री मारना चाहेंगे अभी लास्ट टाइम में? मैं एक्चुअली बिग बॉस देखता नहीं हूँ, लेकिन इस बार मेरी एक फ्रेंड है शमिता, मुझे लग रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स ही जीते, तो मैं चाहता हूँ कि शमिता जीते, अगर मुझे ऑफर मिलता है जाने के लिए तो मैं जरूर जाना चाहिए, जैसे कि बहुत प्यारी यादें हैं। कितना बदलाव आया बिग बॉस में आपके टाइम में, जो अभी देख रहे हैं आप, बहुत सारे आने वाले सीजन में क्या आप छिड़े जाने के लिए आपको बुलाएंगे तो आपने? सर यूर शूटिंग फॉर फिल्म ऑल्सो, उत्तराखंड में शूट हो रहा था, कल कश्मीरा शाह आई थी वहाँ से, तो उन्होंने कहा कि करण जो है वो इग्नोरेंट है, या उनके बारे कहा कि इज नॉट डूइंग राइट थिंग, बिग बॉस उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो भी आपकी फिल्म का हिस्सा है कश्मीरा शिशु के ऊपर, तो क्या कहना चाहेंगे करण के बारे में? मैं देखता नहीं, आई हैव नो आइडिया दिस, बट स्टिल आई मीन फिल्म के बारे में बताइए, जब शिशु शूट कर रहे हैं उसके बारे में क्या सब्जेक्ट है? मैंने फिल्म का नाम है ड्रीम से, एक पुलिस ऑफिसर है जो एक डिटेक्टिव एजेंसी चला रहा है, एक आदर्शवादी पुलिस ऑफिसर था, लेकिन ऑब्वियसली हमें पता है कि जब वे अच्छा काम करना चाहते हैं तो वो लोग उनको दबाया जाता है, इसी वजह से उसने पुलिस फोर्स छोड़ा है, डिटेक्टिव एजेंसी खो दी है, और पुलिस में उनके जो एक्स कॉलिंग्स हैं बहुत ही एक सीरियल किलर्स का दौर चल रहा है, पुलिस इज एक्चुअली फ्लॉक्स की भी आया, वो क्या है सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो मुझे कॉल करते हैं इससे केस में थोड़ी सी सहायता है, मोटा मोटा आई कांट रिव्यू टू मच, बहुत ट्विस्टिंग कलर है और इंटरेस्टिंग लोकेशन वगैरह सब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्यारी फिल्म। अरविंद जी आपसे जानना चाहेंगे अस्मित जी का अगर जो कौन सी फिल्म में है अस्मित जी का किरदार किस तरह का रहेगा और क्या रोल रहेगा? देखिए उसके लिए कोई अच्छी सी कहानी देखी जाएगी,
उसको समझा जाएगा। अगर वाकई में कोई ऐसी कहानी मिलती है जो एक समाज को संदेश दे और उसमें अस्मित जी फिट होते हैं उस रोल में, तो हम जरूर अस्मित जी के साथ में काम करेंगे। अस्मित, कोई ऐसा रोल है जो आज तक आपने नहीं किया, आपको मुझे रोल करना है ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए? कॉमेडी करना चाहता हूँ, फुल ऑन कॉमेडी फिल्म। थैंक यू सर, इसका आज भव्य शुभारंभ हुआ है। श्री गणेश के लिए, बिस्मिल्लाह के लिए, मैं समझता हूँ कि हम सब बड़े खुश हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। और माधव फिल्म के जरिए, जैसे कि अभी भाई ने बताया, बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं, खासकर करके बैठक को आज ही अनाउंसमेंट भी हो गया। साफ सुथरा काम करने की उन्होंने ठानी है, जो कि आज के ज़माने में बहुत ज़रूरत है। कम लोग हैं लेकिन ज़रूरत बहुत है, ज़्यादा ज़रूरत है, लोग कम हैं। साफ सुथरा काम करें तो अबीर भाई को और प्रीति को बधाई देता हूँ। उनके साथ हमारे दोस्ती और पारिवारिक रिलेशन जो है पिछले 10 साल से है। बहुत सारे इंटरव्यूज उन्होंने हमारे लिए और बहुत मज़ा आता है उनके साथ में इंटरव्यू करने में। बहुत अच्छे अच्छे सवाल करते हैं जो कलाकार को के दिल को छू जाते हैं, और कलाकारों के जो दिल के जो पहलू हैं वो सब बाहर प्यार से उजागर करने का हुनर उनके पास में है एक पत्रकार होने के नाते। तो मैं अभी भाई को बहुत बधाई देता हूँ, और उनकी टीम को जो मैं देख रहा हूँ, सबके सब यंग है, यूथ है, और इस वक्त यूथ और यंग लोगों का बोलबाला है। चाहे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाइए, चाहे आप फिल्मों में जाइए, जहाँ पर भी जाइए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम बहुत ही सक्सेस होने वाली है, क्योंकि इनके मन में, इनके तन में, इनके काम में जोश है, जुनून है, और जिसके पास में ईमानदारी हो, जिसका मेहनत हो, ऊपर अल्लाह ईश्वर अल्लाह जीसस क्राइस्ट सब का साथ देते हैं। मुझे लगता है कि मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जी हजारों साल और हजारों प्रोजेक्ट करते रहे हर साल, यही तहे दिल से दुआ देना। कल्याण भाई, आप बोले क्या कहना चाहेंगे इनके प्रोडक्शन हाउस के बारे में जो लॉन्च हुआ? हर काफी सहयोग भी करते हैं आपको, हर इवेंट पे आप उनको आमंत्रित करते हैं और सहयोग करते हैं, इनके बारे में व्यक्तित्व और जो जर्नलिस्ट के तौर पे किस तरह के लगे आपको? सबसे पहले आबिर भाई को मेरा नमस्कार, और मीडिया को मेरा नमस्कार। आबिर भाई को मैंने काफ़ी सारा अवार्ड दिया है मेरे शो में, और इसलिए दिया क्योंकि वो व्यक्ति अवार्ड के विनर का लाइक है, और वो इंसान जो है एक कर्मवीर है, तो कर्मवीर की तरह काम कर रहे हैं हमारे इस मुंबई शहर में। और मैं खाली महादेव को इतने बोलना चाहता हूँ, इस इंसान को इतना ताकत दो, वो और फिल्म बनाए और अच्छा काम करे, और हम जैसे कलाकारों को काम दे, बाकी जो कलाकार हूँ उनको भी काम दे। और साथ में मेरे साथ बैठे हैं मेरे गुरु सुनील पाल और कमाल खान, विशाल ये भगत साहब, मेरे भाई, मेरी जान। इसके बाद मेरी गुरु जो आए हैं हमारे पुनीत कुमार भरद्वाज साहब, वो भी यहाँ पर आए हैं। पुनीत सर का है, हाँ, थैंक यू सर गुरु जी। एंड थैंक यू बेरू जैन जी, मेरी पार्टनर, और तमाम मीडिया कर्मचारी, हमारी DPIF की टीम है, दादा साहेब फाल्के आइकॉन एंड फिल्म स्कूल की हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हिंदुस्तान का पहला ऐसा ये NGO है जो दादा साहेब फाल्के जी के नाम से है। तो ये दादा साहेब फाल्के जी ने जितने भी हमारे NGO में मेंबर हैं उन सभी की तरफ से, उन सभी की तरफ से आज आदिर भाई को ऑल द बेस्ट। आप करो DPIF पूरा संस्था, मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पूरा आपके साथ है। एंड थैंक यू सो मच आदिर भाई, आपकी टीम को मेरा ऑल द बेस्ट। एंड थैंक यू ऑल मीडिया, एंड थैंक यू मेरा ऑल जितने भी यहाँ पर गेस्ट आए उन सभी का मेरा प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद, हर हर महादेव। सबसे पहले आबिर भाई को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आबिर भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, जैसे कि ऑलमोस्ट सभी मीडिया वाले मित्र हैं। तो कोई भी इंसान जब किसी काम की शुरुआत करता है तो कहते हैं ना कि अगर कोई ऊपर से गिर रहा होता है तो वो खुदा की पनाह में आ जाता है, तो खुदा उसको गिरने नहीं देता है। जब इंसान अपनी कोशिश करता है तो कभी ना कभी उसकी कोशिश सक्सेस जरूर होती है। तो आबिर भाई मीडिया कर्मी बड़े अच्छे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि फिल्म मेकिंग भी बहुत अच्छी करेंगे और पूरे वर्ल्ड में अपना नाम करेंगे, और अपने साथ साथ और भी इनके साथ में जितने भी नए पुराने सभी तरह के कलाकार जुड़े हैं उन सबका नाम होगा। मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, और ये इसी तरह से काम करते रहे जिंदगी में, अपना पूरे वर्ल्ड में नाम करते रहे, बहुत सारी दुआएं और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। विशाल सर, आप बताइए क्या करना चाहेंगे, और राजनीति का हिस्सा हुए हैं तो किस तरह से आप अपनी तरफ से सहयोग करेंगे इनको?
सबसे पहले उत्तर प्रदेश यानी उत्तम प्रदेश से आए हुए अबीर भाई का मैं स्वागत करता हूँ कि उत्तम विचार लेके ये माधव मूवीज के द्वारा संदीप जी हो गए, उनके सहयोगी साहिल जी और जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनको मैं इनके OTP प्लेटफॉर्म में जो वेब सीरीज के माध्यम से 3 मूवी ऑलरेडी बना चुके हैं इनको मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि जो उत्तम विषय है उसको लोगों तक पहुंचाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। मैं फिर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर। सर प्लीज आप बताएं क्या कहना चाहेंगे। सर हमने यही सोचा है कि कुछ अलग मैसेज दिया जाए और इसीलिए हमने माधव मूवीज का प्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया। तो अभी तो शुरुआत है, अभी हमने 3 मूवियाँ बनाई हैं और दो और आगे आने वाली हैं, उस पर भी काम चल रहा है। तो ऐसे ही हम काम करते रहेंगे और आपकी दुआ से और सब भाइयों की दुआ से हम चाहते हैं कि आगे बढ़ते जाएँ और लोगों तक अच्छे मैसेज हम पहुँचा सकें। थैंक यू।